वेलकम बैक टू विकिपीडिया गाइज, मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। नहीं, इस वीडियो की शुरुआत कुछ ऐसे होने नहीं वाली थी। इस वीडियो की शुरुआत होनी थी कुछ ऐसे, देखो। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो दिन है ये बहुत ही खास दिन है। मैं मेरी फर्स्ट जॉब का लास्ट डे है आज, तो मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ। मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है PolicyBazaar.com। ये मेरा आईडी कार्ड है, टूट चुका है बिकॉज अभी एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट था। मतलब जस्ट मैंने आई कार्ड पहना हुआ तो यूँ टकराया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टूट गया। अपनी लाइफ के इस मोमेंट को कैप्चर करके हमेशा के लिए रखना चाहता था, इसलिए मैं आज ब्लॉग कर रहा हूँ। और मैं लेट पहले से निकला हूँ आज भी हमेशा की तरह। सो चलते हैं ऑफिस। पार्किंग बाहर करनी पड़ रही है, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यहाँ पे। मेरा ऑफिस है PolicyBazaar.com, बिल्डिंग नंबर 84, सेक्टर 44, गुड़गांव। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जनरली हमारे बड़े शहरों के लोगों की लाइफ छोटे शहर के लोगों से थोड़ी सी इजी हो जाती है। बिकॉज देखो, मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पे है, कॉलेज भी यहाँ पे, उसके बाद अब ऑफिस भी मुझे यहीं पे, मैं जॉब कर रहा था अभी तक। बट यहाँ मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो अपने बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। बिकॉज उनके एरिया में शायद इतना आप पे नहीं करते थे जॉब के लिए, एक्सवाईजेड जो भी रीज़न रहा, वो गुड़गांव के में रहते हैं अपने परिवार से दूर, और उन्हें पता है असली कीमत की फैमिली के साथ रहने का फील क्या होता है। ये चीज़ मैंने वहाँ देखी, और मतलब सैल्यूट है उन लोगों को जो अपनी फैमिली के लिए दूसरे शहर में आके कमाते हैं, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। सो ये है फिफ्थ फ्लोर है। फिफ्थ फ्लोर पे मैं जनरली, मेरे साथ सारा अपना भी टाइम रहा और सारा मेरा फिफ्थ फ्लोर पे गुजरा है। फोर्थ फ्लोर पे मैं दो दिन के लिए बैठा था, और ये मेरा भाई तारिक है, मेरी पूरी टीम है। ये हमारे प्रजापति जी है, और यहाँ पे मैं इस सीट पे जनरली बैठता था बिकॉज यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। मैं काम तो ज्यादा मैं करता नहीं, बट यहाँ पे एक्चुअली बात में कि नॉन परफॉर्मर इधर बैठते हैं। अभी आज मेरे को इधर बैठना पड़ेगा बिकॉज मैं लेट हूँ। अगर मैं जल्दी आता तो मैं उस साइड बैठता, बट जो जल्दी आता उधर की सीट ले लेता है। तो ये जो पर्सन है ये नॉन परफॉर्मर है, ये इसलिए उधर बैठ रहा है। तुम भी नॉन परफॉर्मर है। पूरे पॉलिसी बाजार का सबसे क्यूट लौंडा, लड़कियाँ मरती हैं इस पे, ठीक। और ये हमारे मैनेजर साहब। सो अभी हमारा ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे तीन ब्रेक मिलते हैं, सुबह 12 बजे और शाम को 5 बजे। दो टी ब्रेक रहते हैं 15-15 मिनट्स के, और दोपहर में 2 बजे आधे घंटे एक लंच ब्रेक रहता है। अभी चलते हैं ब्रेक पे। सो अभी 15 मिनट्स के ब्रेक पे हम नीचे आ चुके हैं। ये नीचे सारी गैंग एक साथ घूम रही है। तो अभी हम जा रहे हैं चाय पीने इस साइड, यहाँ पूरी मार्केट से बन जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाएगी। बस ये है कि यहाँ पे आके तुम्हें पहले अपने आधार कार्ड को लिंक कराना पड़ेगा रेडी से। आज मैडम स्पॉन्सर करेंगी हमारे। नहीं यार, मेरा कोई सीन नहीं है इसके साथ, बट पता नहीं क्यों इसको जब भी देखता था ना तो कुछ ऐसी ही रोमांटिक वाली फील आती थी। मींस म्यूजिक अपने आप बज रहा था यार। PolicyBazaar.com के आसपास मेनली तुम्हें यूथ क्राउड दिखेगा। अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद जस्ट एक जॉब सर्च कर रहे हो अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है PolicyBazaar.com में। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी बड़ी सी कंपनी के छोटे से कैफेटेरिया में। अभी ये हमारी फर्स्ट टीम के लोग हैं, जब पहली बार मैं कंपनी में आया था तो पहली टीम में कुछ ये दोनों थे। विकिपीडिया ये हटाना पड़ेगा, क्रिंज हो गया।
सो यहाँ पे जो बाहर से लोग रहते हैं पीजी वगैरह में, वो घर का खाना खाते हैं। यहाँ पे फ्री कॉफ़ी, यहाँ फ्री चाय, फ्री कॉफ़ी, सूप वगैरह वगैरह सब कुछ फ्री। लोग बाहर से आके इस शहर में रह रहे हैं, उनके लिए मैं घर का खाना ले आता हूँ या बाहर से खरीदता हूँ, मैं खा लेता हूँ। क्या होता है ना, जो चीज़ हमारे पास से चली जाती है उसकी कीमत पता चलती है। तो ये हमारे करंट टीएल यानी कि मेरे बॉस, और ये है कूलेस्ट टीएल इन policybazaar.com। सो ये थे हमारे दमन सर, दमनदीप सिंह, और ही इज द कूलेस्ट टीएल इन द policybazaar.com। और ऐसा मैंने क्यों कहा, बिकॉज मेरे को एक केस याद है। एक दिन मैं अलार्म लगाना भूल गया और मैं सोता रहा। मेरी फैमिली को लगा कि मेरा ऑफ होगा उस दिन, इसलिए मैं सो रहा हूँ। करीब 11:30 बजे मुझे कॉल आता है दमन सर का कि विकास कहाँ पे होता है, 12 बजने वाले हैं और तुम अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हो। सो मैं उस टाइम निकला, जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए भगा। यहाँ से ऑफिस मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट। और वो जो टाइम था सीजन का था, और सीजन के टाइम में छुट्टी मारना तो क्या, लेट होना भी इज अ बिग डील। तो मतलब लेट नहीं हो सकते वरना मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर एक्शन लेता है। और दमन सर ने वो सारी चीज अपने ऊपर ले ली कि मैंने उसे एक काम के लिए भेजा है, उस वजह से वो लेट हो रहा है। सो मेरे को उस दिन ये फील हुआ कि ये बंदा बहुत कूल है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं जॉब छोड़ रहा हूं, बहुत छोटा मिलता है और मुझे काम बहुत सारे होते हैं, तो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा है कि policybazaar.com में बहुत ही फ्रेंडली माहौल है, बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, तो बहुत मज़ा आता है काम करने में। कभी कभी प्रेशर तो होता ही है यार, काम है, कॉर्पोरेट है, अब काम नहीं होता तो थोड़ा बहुत प्रेशर तो आएगा। बाकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी है कंपनी की, प्रमोशन बहुत अच्छा है, नाम है कंपनी का इंडस्ट्री में, तो इतना मुश्किल नहीं होता। लीड जनरेशन काफ़ी रहेगा, ठीक है। ऑफकोर्स अक्षय कुमार अगर टीवी पे ऐड देने आ रहे तो लीड जनरेशन तो आराम से हो ही जाएगा। अभी ऑफिस का थर्ड ब्रेक चल रहा है जो शाम को 5:15 के बीच में होता है, 15 मिनट का। और अभी मेरे साथ है मेरे वो दोस्त जो मैं पॉलिसी बाजार में पहले दिन आया था, ये मेरे साथ था। ये बीच में आया था। हाँ, आज ये तीनों मुझे पार्टी देंगे, ऐसा बोल दो। अब पता क्या हम देंगे पेमेंट, ये करेंगे। 5 बजे वाला ब्रेक हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद मैं सबसे खास आज हम ब्रेक पूरा एक्सीड करके जाएंगे, सब डांट खाएंगे अपने मैनेजर से। मेरे को डांट पड़ेगी नहीं, बिकॉज लास्ट डे है। कैसे सर? ये जो है ये है अंशुल गर्ग सर, ये हमारे फर्स्ट ईयर थे जब मैं policybazaar.com में आया। ये कैमरा फ्रेंडली नहीं है, सो मैंने कैमरा उस टाइम बंद कर दिया। सो ये एक पर्सन है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, मीन्स सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं, मैंने आउटसाइड लाइफ के लिए भी, मतलब अपनी रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखा है इनसे। सो अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज अ रियली गुड गाय। और ये हमारे पहले टीयर थे, इन्हीं की वजह से मैं सर्वाइव कर पाया हूँ पॉलिसी बाजार में इतना टाइम के लिए। अब जिस पर्सन से हम मिलने वाले हैं, he is one of the most special person in the policybazaar.com for me, because वो एक person था जिसने मेरे पॉलिसी बाजार में जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था। तो ये है हमारे गोपाल भाई, सबसे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया था। और मेरा ऑफिस का लास्ट डे है तो मैंने भाई से सोचा मिल लूँ। सो मैं एक तो बात कहना चाहता हूँ विक्की भाई के बारे में, विक्की भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, और इसका वीडियो में देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। थैंक यू गोपाल भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन टू एडिंग वैल्यू इन माय लाइफ। ये जो 10 महीने मेरे ऑफिस में गुजरे हैं, सच बताऊं तो इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि जॉब में कभी कुछ सीखा नहीं जा सकता। इन 10 महीनों में मैंने लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज एड की हैं, जैसे कि ऑल दिस फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर द पार्ट ऑफ द सक्सेस, लर्न टू डिलीट। कुछ भी लाइफ में बुरा होता है उसको डिलीट करो और आगे बढ़ो। Learn to be happy. If you are not happy at some place, please create your happiness there. Respect everyone. Because सच्चाई यही है कि सब यहाँ नौकर हैं, मालिक सिर्फ एक है। So जो भी इस वीडियो का पार्ट है, thank you very much everyone. You are doing great work. Keep going, keep growing. Thank you for everything, man. Love you all. तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, लिव लाइफ किंग साइज। और भाई इधर से जा रहे हैं पॉलिसी बाजार छोड़ के। छोड़ रहा है पॉलिसी बाजार करने अब रैप, भेजता रहिए वीडियो ताकि मैं कर सकूं लाइक के बटन पे टैप। yeah!